ये देखें भैया, ठीक है, ये इधर अलमारी बनाने लगा हूँ सीढ़ियों के नीचे, तो ये पीस बन गए। अभी वो आगे वाला पीस बनाने लगा हूँ, वो आगे वाला पीस बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होती है ये ऊपर है सीढ़ियों के नीचे। शीट का कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये देखें लाइट कलर है, ठीक है। ये हैंगर के लिए, इसमें हैंगर पाइप लग जाएगा, यहाँ पे ये दो दराज आ जाएंगे, वो अभी आगे पीस तैयार कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह जैसे तैयार हो जाए। ये देखें ये इसका पीस भी तैयार कर दिए हैं, ठीक है, तो ये तैयार कर रहा हूँ अभी, ये जैसे तैयार करता हूँ तो वो भी फिर आपको इंशाल्लाह। वो दूसरा पीस है इसका, वो लग गए, वो नीचे स्टील के पाए लगेंगे इसके नीचे, तो अभी आगे फ्रेम भी लगेगा इसका, वो ऊपर भी पल्ले लगेंगे, ये पूरी बनेगी। ये आगे वाला पीस अभी बना रहा हूँ, ये ठीक है, ये अभी अनकम्प्लीट है, ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो भी इंशाल्लाह। ये लें देखें, मैंने पीस वहाँ पे फिटिंग कर दी है, अभी इसका ऊपर वाला पीस फिट करने लगा, ठीक है, तो ये पूरी अलमारी है, तो ये इसके ऊपर वाला पीस अभी माल काटने लगा हूँ, तो लाइट चली गई है, तो लाइट का वेट कर रहा हूँ, लाइट आती है तो इंशाल्लाह फिर ये इसका ऊपर वाला जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे वो अभी बॉक्स बनेंगे, ठीक है, उसके लिए अभी कटिंग करने लगा, तो ये अभी वहाँ पे सेटिंग करनी है, इसलिए ये पीस अभी वहाँ पे आरजी तौर पर रखा हुआ है, तो ये दोबारा निकल गया, इसके बैक पर भी शीट लगेगी और इसके ऊपर भी, ये पूरी अलमारी है ऊपर तक, ठीक है, इनके नीचे स्पेस थी सीढ़ियों के नीचे, तो ये उसके नीचे ये बना रहे हैं अलमारी, ठीक है। ये देखें भाई लोग, ठीक है, ये काफ़ी फ़र्क था अलमारी में, ठीक है, तो अब नीचे ये थड़ी बनाई है, पहले मैंने फिट कर दी थी ये अलमारी, ठीक है, ये बॉक्स पड़े हुए हैं, एक बॉक्स ही है ये इस तरफ का, वो दूसरा बॉक्स ही है, ये भी तैयार पड़े हुए हैं, ठीक है, इनके नीचे मैंने स्टील के पाए लगाए थे, लेकिन वो नहीं, दीवार में बहुत फ़र्क है, इसमें ये सामने जो है ना दीवार है, ठीक है, ये सीढ़ियों के नीचे जगह है, इसमें बहुत फ़र्क था, दीवारों में अक्सर होता है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं जी ये अलमारियाँ सीधी नहीं है, ये है वो है, उनको ये नहीं पता होता कि ये दीवार सीधी नहीं है या क्या चक्कर है, ठीक है, वो पाए लगाए थे उनमें ठीक ठाक फ़र्क आ रहा था, अभी ये नीचे थड़ी बनाई है तो इसके ऊपर रखता हूँ अलमारी है ये, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बनवाई थी अभी भी थोड़ी ताज़ी है, नीचे पॉलीथिन मंगाया है, पॉलीथिन रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये दोनों बॉक्स इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। ये देखें भाई पीछे दीवार में कितना फ़र्क है, ठीक है, अभी ये एक पीस रखा है, ये दूसरी तरफ भी इतना फ़र्क है, ठीक है, ये अभी दूसरा पीस रखने लगा तो वो भी रख के फिर दिखाते हैं। ये देखें भाई दोनों बॉक्स लग गए हैं, ठीक है, अभी ये नीचे इसकी थड़ी बनी हुई है, पहले नीचे स्टील के पाए लगाए थे उनमें बहुत फ़र्क आ रहा था, ठीक है, तो ये भाई लोगों का भी थोड़ा सा मसला हो गया, खर्चा हो गया, नीचे थड़ी बनी है, दो दिन वैसे तीन दिन ज़ाया हो गए हैं उसकी थड़ी की वजह से, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गई है। ये देखें भाई जान, ये मैं इसका फ्रेम बना रहा हूँ, लेकिन ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, ठीक है, ये सारा अलग अलग एक एक पीस इसका सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखें मैं इसका फ्रेम बना रहा हूँ, अभी ऊपर नीचे की लड़ें अभी आरसी लगाई हैं, तो बाकी इंशाल्लाह वो भी बना रहा हूँ, तो जैसे जैसे बनाते हूँ। ये देखें इतना इजी नहीं है जितना इजी नज़र आता है ना ये, ठीक है, ये देख रहे हैं ये पीस इसका अलग अलग सारे पीस इसके सेट होंगे, ठीक है, वो कोने वाला पीस है, अभी ये पीस इसको लगाने लगा हूँ,
तो ये 20-20 का सेट कर दो, ठीक है। वो कोने वाला भी आरजी लगा हुआ है, ये देखे ना दीवार में, इसमें बी आरजी लार लगाई है, ठीक है, इसमें ठीक ठाक फर्क है। बाकी फिर जैसे लगाता हूँ इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, ठीक है, अभी फ्रेम मैंने कच्चा जोड़ा है, ठीक है, अभी इसको पक्का करने लगा हूँ। ये मैंने सारे पीस कटिंग किए हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनता है, इसका सारा स्टैंडर्ड साइज वहीं पे बनता है अलमारी के ऊपर ही, फिर बना के तो फिर आप यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज़ आपने इसको इस तरह सिंपल जैसे अलमारियों का फ्रेम यूज़ होता है वैसे नहीं यूज़ कर सकते इसको। ये अलमारी के साथ ही वहाँ पे एक एक पीस कट के, ठीक है, जैसे अलमारी है तो वहाँ पर वैसे ही एक एक पीस कट के, तो उसके साथ ही सेटिंग होती है। वो सीधी अलमारी हो तो उसका तो सीधा सीधा फ्रेम है, उसका कोई इशू नहीं होता। ये देखते हैं भाई लोग, ठीक है, ये फ्रेम मैंने तैयार कर दिया, सही है। तो ये ऊपर भी इतना पीस लगा, ठीक है, साइड पे भी ये पीस लगे, ये दीवार में इतना फर्क था, ठीक है। अभी ये सीढ़ी के ऊपर भी एक छोटा सा पीस लगाना है, वो काटता हूँ तो ये फ्रेम लगेगा, तो यहाँ पे भी गैप है ठीक ठाक। ये देख रहे हैं ये ऊपर गैप ही गैप है, ठीक है, ठीक, सही है। तो ये ऊपर गैप है, अभी वो ला रहे चीरता हूँ इसमें से, तो ये इसका पीस लगाता हूँ, ये गैप है इसमें, वो साइड पे भी पीस लगे हुए हैं, वो गैप ख़त्म किया, ठीक है। ये अभी फ्रेम इधर रुक नहीं रहा, नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो पीस लगे हुए हैं, ये साइड पे भी गैप कवर किया। अब ये ऊपर वाला इसका गैप जो है, ये ऊपर जो गैप है ये इसका कवर करना है, ठीक है, वो भी पीस लगाता हूँ। लार चीरनी है, ये लार पड़ी हुई है, वो चीरने लगाऊँ तो वो फिर लगा के तो इसके ऊपर प्रेस आ जाएगी। फ्रेम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूरा फ्रेम लग गया, ठीक है, जो गैप था वो भी कवर हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये देखें अभी भी है गैप, वो प्रेस लगेगी तो प्रेस में कवर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत फ़र्क था इसके फ्रेम में, ठीक है, अभी भी है लेकिन वो प्रेस लगेगी, वो उसमें कवर हो जाएगा। फ्रेम सारा लग गया, ये देखें फिक्स हो गया। ये पूरी अलमारी है, ठीक है, ये सीढ़ियों के नीचे है, ये देखें, सही है, देखें जी प्रेस लग गई है, ठीक है, सारे लग गई है, अब माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। वो जो गैप था वो भी कवर हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, अभी भी हल्का फुल्का है, वो इतना बिल्कुल मामूली मामूली तो होता है, ये वो प्लास्टर में बहुत फर्क है, ठीक है। बाकी ये सारी प्रेस लग गई है, देखिए वो साइड वाला पीस है, ये साइड है, ये अभी यहाँ पे दराज बनाने लगा, यहाँ पे दो दराज हैं अंदर लाकर, नीचे भी तीन दराज बनेंगे, वो भी अभी बनाने लगा, ये दो ऊपर बनेंगे, ठीक है, दो ऊपर है तीन नीचे, तो ये भी जैसे बनाते हैं तो इंशाल्लाह। फिर इसके बाद इनके पल्ले बनेंगे, तो पल्ले भी बनाता हूँ तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी कटिंग अभी आज ही करूँगा, वो भी इंशाल्लाह, तो वो बनते हैं। तो फिर ये इनके पल्ले फिट कर रहा हूँ, ठीक है, दराज भी बना दिए, अभी इनके फ्रंट लगेगा, फ्रंट फिर वो पल्ले तैयार होते हैं तो इनके फ्रंट भी लग जाएंगे। ये वाले पल्ले फिट हो गए, ठीक है, ये भी इनकी कटिंग कर रहा हूँ, अभी ऊपर कटिंग होगी, वो जैसे ही ये सीढ़ियों के हैं तो फिर वैसे ही कटिंग होगी, इतने इजी नहीं है, ठीक है, मुश्किल है। अभी मैं पल्ला फिट कर रहा हूँ इसका, ठीक है, फिटिंग कर रहा हूँ, साथ साथ वो कटिंग भी कर रहा हूँ इनकी, तो होता है सीधी अलमारी का तो और चीज़ होती है, इसमें बहुत मसले होते हैं टेपर में, जैसे कि वो फिर हर चीज़ उसके हिसाब से करनी पड़ती है। ये
है कि भाई लोग पल्ले लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। वो ऊपर लग गए हैं पल्ले, ऊपर वाले नीचे वाले लगा रहा हूँ अभी, तो ये जैसे फिक्स होते हैं तो इंशाल्लाह। ये शीशे वाला है, इसमें शीशा आएगा, ठीक है। ये दो ग्राउज है वो अंदर आ जाएंगे, ये एंकर है, ठीक है। ये अभी पल्ले लगा रहा हूँ, ये नीचे वाले हैं, ठीक है। ये इस तरफ के हैं, ठीक है। अभी उनके हैंडल कैचर लगेंगे तो बाकी ये भी ऊपर वाले फिटिंग होंगे। ये भी पड़े हुए हैं, वो साथ साथ लगा रहा, ठीक है। ये ऊपर लग चुका है वो, ठीक है। वो दो भी लग गए, उसको हैंडल भी लग गए, कैचर भी लग गए, बाकी लगा रहा हूँ तो जैसे फिर कंप्लीट होती है इंशाल्लाह। क्या हाल है भाई, सब ठीक होंगे, खैर खरीत से होंगे। ये देखे भाई अलमारी तैयार हो गई है, ठीक है। ये सीढ़ियों के नीचे है, ठीक है। ये इसका हैंगर है, ठीक है, ठीक ठाक पड़ा है। ये इसके नीचे वाले बॉक्स है, ठीक है। ये देखो, ये भी ठीक ठाक पड़ा है, ठीक है। इसका आईना लगा हुआ है, ठीक है। ये इसको लॉक भी लगा हुआ है, ठीक है। ये अंदर दो पार्टीशन है, ठीक है। ये नीचे दो दराज है, ठीक है। इनको चैनल भी लगे हुए, ठीक है। चैनल भी अच्छे वाले लगे हैं, सही। ये नीचे, ठीक है। ये नीचे बाहर ओपन तीन टार है, ठीक है। ये देखें, ये तीसरा है, नीचे ये भी ओपन है, ये बाहर वाली साइड में, ठीक है। ये इसके अंदर वाली साइड पे दो दराज, और ये तीन बाहर वाली साइड पे। बाकी ये आगे वाले बॉक्स है इसके, इसमें ये पार्टीशन हुई हुई, ठीक है। ये इसका पल्ला, ये वाला सिंगल, ठीक है। ये आगे वाला है, इसमें पार्टीशन नहीं है, ये छोटा खा लेंगे, ठीक है। ये इसका, ये आगे छोटा है, इसमें लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये वैसे ही यानी कि सब कर उठ जाए अपना, ठीक है। ये नीचे वाले आ गए, ठीक है। ये से आगे वाला ये भी ठीक ठाक पड़ेगा, बॉक्स है ठीक ठाक, ठीक है। ये देखे, ये वाला भी, ये नीचे वाला ऐसा पूरा है, ठीक है। ये तीन दराज है, ये पागे पल्ले लगे हुए, ये सीढ़ियों के नीचे है, ठीक है, सही है। बाकी ये फूल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। ये देखें, ये पूरी माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। कलर भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा कलर है, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सीढ़ियों के नीचे इनकी वैसे भी जगह वेस्ट होती है, तो ये काफ़ी अच्छा इनका था, मैंने भी इनको मशवरा दिया, ठीक है। लेकिन ये देखें, काफ़ी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है।